दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बाबा टेक्निकल। ये डेल का टाइनी पीसी है, इसमें एसएसडी और कार्ड इंस्टॉल कैसे करते हैं। एक्चुअली इसमें हार्ड ड्राइव था जो थोड़ी विंडो वगैरह जो भी पोर्टेबल होता है वो थोड़ा स्लो होता था, तो इसमें एसएसडी कैसे इंस्टॉल करते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्रू ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इसको जस्ट पीछे से आगे की तरफ प्रेस करना है तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए बैक साइड से फ्रंट में प्रेस करने पे ओपन हो जाता है। ओपन हो गया, ये देखिए हार्ड ड्राइव है जो हमारा 1 TB का है। इसको ये साइड से दोनों बैक साइड से को प्रेस करके इसको पुश करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा SSD लगेगा तो चेक कर लेते हैं SSD कैसे लगेगा। SSD ऐसे फिट होगा, इसके पीछे एक स्क्रू होता है, पहले वो स्क्रू खोल लेते हैं जिससे SSD कार्ड को हम लॉक करेंगे लगा के। ये 256 GB का SSD कार्ड है। ये लगाने के बाद बहुत ही समझो कि जो हमारा करंट हार्ड ड्राइव में जो स्पीड रहता है उससे 6 गुना तो बढ़ ही जाता है इससे स्पीड। अब इसको लगा के इसको लॉक कर देते हैं। अभी वापस से अपना हार्ड ड्राइव लगा देते हैं जो कि 1 TB का है। इसको कैसे लगाते हैं देखिए, और इसको जस्ट ऐसे रखते हैं और फिर इसको पीछे के साइड आगे से पुश करते हैं। देखिए हो गया। ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाता है पुश करते ही। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे SSD इंस्टॉल कर सकते हैं टाइनी PC में। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही छोटे वीडियो, जानकारी वाले वीडियो देखने हैं आपको, नॉलेज वाले, तो हमारे वीडियो को और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कुछ भी आपको अदर इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।